असलमकम क्या हाल है सबका मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे बहुत ही ज़्यादा सर्दी में तो चाय के साथ कुछ ना कुछ होना ही चाहिए तो यहाँ पर आज मैं लेकर आई हूँ आटे के बिस्किट जिनको बनाना बेहद आसान है तो वहाँ रेसिपी स्टार्ट करते हैं यहाँ पर जी सबसे पहले हमने एक बाउल ले लेना है जिसमें मैंने लिए हैं फ़ोर टेबल स्पून तकरीबन घी के और घी जो है बिल्कुल नॉर्मल सा है बहुत ज़्यादा ना सख्त है ना नरम है और यहाँ पर एक कप भर कर हमने लेना है चीनी का अगर आपके पास शुगर पाउडर है तो बहुत अच्छी बात है और इसके साथ ही मैंने डाला है इसमें हाफ कप पानी का और इस सब चीज़ों को मैंने कर लेना है अच्छे से मिक्स ताकि चीनी अच्छे से डिसॉल्व हो सके इसमें पानी जो है मैंने नीम गर्म यूज़ किया है ताकि जो घी है वो अच्छे से बीच में आ, मेल्ट हो जाए अगर आप ऑयल यूज़ करेंगे ऑयल का इतना अच्छा रिजल्ट नहीं होगा जितना घी का है और यहाँ पर ये अच्छे से देखिए मेल्ट हो चुका है तकरीबन इसे पाँच मिनट लगे थे इसमें ये मेल्ट हो गया तो इसके साथ ही मैंने टू टेबल स्पून तकरीबन डाले हैं सूजी की या बारीक सूजी है आपके पास मोटी बारीक जो भी हो आप यूज़ कर सकते हैं इसमें वन टेबल स्पून यहाँ पर मैंने सिस्मी सीड्स लिए हैं यानी कि सफ़ेद तिल लिए और इसके बाद जी मैंने इसमें डालना है एक एक करके ढाई कप तकरीबन मैंने इसमें आटा यूज़ किया है सबसे पहले हमने दो कप आटा यूज़ करना है तो देखें अभी मैंने सारा नहीं डाला था थोड़ा ज़्यादा स्टिकी था तो इसके बाद मैंने हाफ कप डालना है और इसी तरीके से आपने भी करना है इकट्ठा नहीं डाल देना वरना ये बहुत ज़्यादा अगर नरम हो गया तो फिर आपको मसला होगा तो यहाँ पर मैंने अब इसको हाथों की मदद से एक डो की शक्ल दे देनी है जी तो ये देखें अच्छे से ये गुन चुका है इतना ही सॉफ्ट रखना है अब मैं इसको रेस्ट पे छोड़ दूंगी बीस मिनट के लिए यहाँ पर जी इसके 20 मिनट पूरे हो चुके हैं अच्छे से सेट हो चुकी है डोर देखें कितनी ज़्यादा पहले से जो है हार्ड हो चुकी है और यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा कूद कर उसके बाद मैंने इसके दो पेड़े ले लेने हैं बिल्कुल जो है बराबर के और बिल्कुल जैसा हम रोटी रेडी करते हैं ना वैसे इसकी एक रोटी सी बना लेनी है हमने बेल लेनी है अच्छे से देखें ये पेड़ा बिल्कुल रेडी हो चुका है और बिल्कुल सेम तरीके से हमने इसकी जैसे रोटी बनाते हैं वैसे बना लेनी है और चीज़ के अगर आपके पास गुड़ अवेलेबल है ना तो आप वो यूज़ करिएगा उससे जो इसके रिज़ल्ट होंगे ना और ज़ायका इतना ज़्यादा मज़े का होगा कि बस आपकी सोच है और यहाँ पर देखें कि रोटी बिल्कुल रेडी होगी जिस तरीके के भी आपको बिस्किट्स चाहिए आप उस तरीके से कट कर सकते हैं ये देखिए कितने प्यारे बिस्किट बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और अगर ये थोड़े से ख़राब हो तो इन्हें आप हाथों के साथ भी सेट कर सकते हैं यहाँ पर जी हुआ ये था कि मैं सारे के सारे बिस्किट तल चुकी थी जिस वजह से ऑयल की ये कंडीशन थी और यहाँ पर मैंने लास्ट में आपको दिखाया क्योंकि लाइट जा चुकी थी तो मैं इसको रेस्ट पर ज़्यादा देर नहीं छोड़ रही थी जी तो यहाँ पर हमने इसको सिंपली फ़्राई कर लेना है अच्छे से जब तक इसका कलर डार्क ब्राउन नहीं हो जाता और हम इसे अच्छे से फ़्राई करके निकाल लेना है और उसके बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ बहुत ही ज़्यादा मज़े के टेस्टी और हेल्दी बिस्किट्स हैं बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे सीधा यहाँ पर रेडी हैं हमारे होम मेड आटे के बने हुए बिस्किट जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं और खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा यहाँ पर मैं आपको चेक भी कराऊंगी कि कितने ज़्यादा खस्ता बने हैं ये देखें बहुत ज़्यादा अच्छे बने हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे बताने का समझाने का तरीका अच्छा लगा अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो को एक लाइक दे दें मिलते एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ एक हेल्दी सी रेसिपी के साथ तब तक के लिए अल्लाहफि